Hello children, welcome to the social science video classes and we are doing the aptitude, right? In aptitude we were doing the ordering. In this we did assignment number 18, which was a story of the wise crow, right? And assignment number 19, which was your homework, which was ordering the month, right? Ordering the month according to their numbers. And now we are going to do assignment number 20, and this is your last lesson for term 1, ordering, right? So after this term 1 syllabus will be completed for the aptitude, and we have already completed the term 1 ka syllabus for social science, right? So 4 lessons in social science for term 1 and 4 lessons for in total term 1 ka syllabus PA1 plus term 1, right? So 4 lessons in social science and 4 in aptitude. Done. Now after we finish this, we are going to start the term 1 ka worksheet, which is already with you, right? So let's start with assignment number 20. In this, what we have to do is we have to put the things in order, right? For example, see, A ke baad B aata hai, B ke baad C aata hai, right? So how do we order it? A B, then the last one is written over here, B C, B ke baad C, right? So similarly X Y, फिर यहाँ पे क्या आएगा, ए के बाद बी आता है तो बी यहाँ पर आया ना, वैसे ही एक्स वाई, तो वाई के बाद यहाँ पर भी वाई आएगा, वाई के बाद व्हाट कम्स आफ्टर वाई, वाई आफ्टर वाई जेड, राइट? सो व्हाट इज इट ओवर हियर, जेड इज ऑप्शन नंबर ई. सो वाई वन का ऑर्डरिंग इज ई, पिक्चर नंबर ई. आफ्टर दैट we have picture number 2, smileys, right? So in this smiley, what is happening? This smiley is looking to the right side, this smiley is looking to the left side, and the niche wala smiley is looking up side, right? So this yahan pe jo smiley aayega wo kidhar dekhega, it will look towards the downside. See option number D, isn't it? So 2 का ऑर्डर, मिसिंग ऑर्डर इज ऑप्शन नंबर डी. सो 2 का आंसर डी, राइट? नाउ नंबर 3, A1 C3 F6. अब ये कैसे करा हुआ है, लुक, व्हेन वी राइट द अल्फाबेट्स इन ऑर्डर ए बी सी डी ई एफ G H I, right? So A is 1, B is 2, C is 3, D 4, E 5, F 6, G 7, H 8, I 9, right? So यहाँ पे क्या है, A का नंबर is 1, so A 1, B 2 है, B को छोड़ दिया, C is written, so C is 3. उसके बाद डी ई छोड़कर एफ लिखा है, एफ इज 6. तो पहले वाले ऑर्डर में क्या हुआ था, ए के बाद बी छोड़ा है ना, तो ये दूसरे वाले ऑर्डर में भी क्या आएगा, एफ के बाद जी को छोड़ना पड़ेगा, जी को छोड़ दिया, उसके बाद कौन सा आएगा, एच, एच का क्या है 8, राइट? तो यहाँ पर एच 8 आएगा. नाउ सी, यहाँ पे है ऑप्शन में एच 8, यस, ए, ऑप्शन नंबर ए, राइट? सो 3 का ऑर्डर आंसर इज ए. Got it? Okay. Now number 4. Number 4 में क्या है? We have 3 circles over here, right? First वाले circle में and the 3 circles are half color. One side is white, one side is red, right? So पहले वाले circle में left side red, second वाले circle में right side red, third वाले circle में upside red, right? तो लेफ्ट राइट हो गया, अप हो गया, अब क्या बचा, ओनली डाउन, राइट? सिर्फ डाउन बचा ना. सो व्हाट इज देयर,
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में सर्कल का नीचे के साइड रेड है, राइट। सो फोर का सी, डन। ओके, नाउ नंबर फाइव। नंबर फाइव में सी वी हैव यहाँ पर कैप्सूल्स, राइट। सो कैप्सूल में व्हाट इज दैट? कैप्सूल्स का फर्स्ट वाले कैप्सूल एंड सेकेंड वाले कैप्सूल में इट्स मरून इन कलर, राइट। बीच में मरून कलर का स्ट्रैप है, देन सेकेंड वाले में बोथ द साइड्स आर मरून, राइट। एंड थर्ड वाले पिक्चर में इट्स पर्पल कलर। सो अगर ये पर्पल कलर का कैप्सूल के बीच में पर्पल कलर का स्ट्रैप है, इजंट इट? सो यहाँ पर जो फोर्थ वाला कैप्सूल आएगा वो कैसा बनेगा उसका पिक्चर? इसका पिक्चर कुछ ऐसा होगा, इजंट इट? ऐसा कैप्सूल, उसके दो साइड कलर्स होंगे, बट ये दो साइड के जो कलर्स होंगे वो कौन सा कलर होगा? पर्पल कलर होगा, राइट। सो द कलर विल बी ऑफ पर्पल। सो विच इज द पिक्चर विच शोज इट? पिक्चर नंबर एफ, इजंट इट? सो पिक्चर नंबर एफ कंप्लीट द ऑर्डर। नाउ थर्ड, सॉरी सिक्स्थ, लास्ट पिक्चर। यहाँ पर क्या है? सी ऑल द अल्फाबेट्स आर रिपीटेड ट्वाइस, दो बार लिखा है, इजंट इट? सो पिक्चर नंबर, बॉक्स नंबर वन में क्या है? ए ए बी बी, राइट। अल्फाबेट्स ए एंड बी लेकिन दो बार लिखा हुआ। देन ए बी के बाद क्या आता है? सी डी, राइट। तो सी और डी भी है लेकिन वो भी डबल डबल बार लिखा हुआ, राइट। सी सी डी डी। देन वी हैव पी पी क्यू क्यू, राइट। पी एंड क्यू एक के बाद एक आता है ना, आफ्टर पी कम्स क्यू। अगर आप ए बी सी डी बोलना चालू करोगे तो पी के बाद क्यू आता है, राइट। सो पी के बाद क्यू आता है, तो क्यू के बाद क्या आता है? आर। आर के बाद एस। तो ये वाले बॉक्स में क्या आएगा? आर एंड एस। लेकिन क्योंकि ये डबल डबल बार लिखा है सारे बॉक्सेस में, तो जो नेक्स्ट वाला बॉक्स आएगा वो भी डबल डबल लिखना होगा। तो आर आर एस एस, विच पिक्चर शोज इट? ऑप्शन बी, डन। आगे समझ में कैसे करना है? बहुत सिंपल है, इजंट इट? नाउ असाइनमेंट नंबर 21, व्हाट इज दैट? असाइनमेंट नंबर 21 में क्या है? दिस इज ऑल्सो सिमिलरली ऑर्डर करना है, ऑर्डरिंग, राइट। सो यहाँ पर वी हैव ट्राइंगल्स। फर्स्ट ट्राइंगल का पॉइंट अपवर्ड्स, सेकेंड ट्राइंगल पॉइंट्स डाउनवर्ड्स, थर्ड ट्राइंगल पॉइंट्स लेफ्ट। सो अप हो गया, डाउन हो गया, लेफ्ट हो गया, तो क्या बचा? ओनली राइट बचा, राइट। सो इस पिक्चर में कौन सा ट्राइंगल है जो राइट के साइड पॉइंट कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी। सो वन का आंसर इज सी, विच कंप्लीट्स द ऑर्डर, डन। ओके, नाउ नंबर टू। नंबर टू में क्या है? वी हैव कलरफुल ट्राइंगल्स, राइट। सो दिस टू ट्राइंगल्स आर ऑफ रेड कलर, और ये वाला ट्राइंगल हाफ हाफ है, हाफ रेड एंड हाफ ब्लू, राइट। बट इन दोनों का शेप सिमिलर है, तो यहाँ पर भी ऊपर वाले शेप के जैसे ही आएगा ना शेप, राइट। सो ये वाला ट्राइंगल तो ऊपर वाले की तरह ही शेप होगा, लेकिन क्या होगा? डिवाइडेड होगा, हाफ रेड हाफ ब्लू। तो कौन सा पिक्चर ऐसा है? पिक्चर नंबर ए, राइट। सो टू का आंसर इज ए, गॉट इट? नाउ थ्री, पिक्चर नंबर थ्री, व्हाट इज दिस? दिस इज लेटर बी, राइट। अलग अलग डायरेक्शंस में लिखा हुआ लेटर बी। सो इन दिस फर्स्ट वाला द कर्व इज अपसाइड, सेकेंड में द कर्व इज डाउन साइड, थर्ड में द कर्व इज ऑन द लेफ्ट साइड, एंड फोर्थ में क्या आएगा? फोर्थ में आना चाहिए द कर्व इज ऑन द राइट साइड। व्हाट इज द कर्व? दिस इज द कर्व, राइट। सो विच इज द पिक्चर? पिक्चर नंबर एफ, राइट। इट कंप्लीट्स द ऑर्डर ऑफ पिक्चर नंबर थ्री। सो थ्री का आंसर इज एफ,
राइट डन ओके नाउ पिक्चर नंबर फोर. पिक्चर नंबर फोर में क्या है, अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दे तो दिस विल कंप्लीट द पिक्चर. सो सिमिलरली अगर इस पिक्चर को कंप्लीट करना है तो यहाँ पर भी एक सिमिलर शेप आना चाहिए ना इस तरीके का, राइट. सो ऐसा वाला शेप कहाँ पे है, लेट्स फाइंड आउट. द शेप इज इन ऑप्शन नंबर ई, राइट. ये वाले शेप को हम यहाँ बिठाएंगे तो दिस विल कंप्लीट द पिक्चर, इजंट इट. सो ऑप्शन नंबर ई इज द आंसर फॉर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर. समझ में आया, ऑर्डर कंप्लीट करना है, राइट. अगर ये ऐसा है शेप, राइट, उसको कंप्लीट करने का शेप यहाँ पे बना हुआ है. ये ट्रायंगल को यहाँ पे कर्व बनाकर एरो बनाया हुआ है ना, तो इस शेप को भी हमें कंप्लीट करना पड़ेगा. इस शेप को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर जो शेप्स दिए हैं उसमें से कौन सा शेप फिट हो रहा है, शेप नंबर ई, राइट. सो फोर का ऑप्शन बनेगा ई. नंबर फाइव. नंबर फाइव में क्या है, वी हैव एरोज, राइट. एक साइड पॉइंट है, दूसरी साइड एरो है, बट ये एरो का जो मुंह है एक दूसरे को फेस कर रहा है, इजंट इट, आजू बाजू में है. सो पिक्चर नंबर फाइव में जो ये एरो नीचे की साइड आया है उसके बाजू में जो पिक्चर आएगा उसका भी ऐसे ही एरो आना चाहिए ना, उसका फेस भी एरो को पॉइंट, इस एरो के पॉइंट के साथ दूसरे एरो का पॉइंट मैच होना चाहिए. सो ऐसा वाला पिक्चर कौन सा है यहाँ पे, पिक्चर नंबर बी, राइट. सो फाइव मैचेस विद पिक्चर नंबर बी. अगर हम ये वाले पिक्चर को उठा के यहाँ पे रख देंगे तो ये इस ऑर्डर को कंप्लीट कर देगा. डन ओके. नाउ पिक्चर नंबर सिक्स. सिक्स में क्या है, वी हैव सेमी सर्कल्स. सेमी सर्कल्स मतलब हाफ सर्कल. देखो दो दो हाफ सर्कल्स है ना, अगर एक के ऊपर एक रख दें तो ये सर्कल कंप्लीट कर देगा. बट क्योंकि हम यहाँ पे मिसिंग नहीं ढूंढ रहे हैं, हम यहाँ पे ऑर्डरिंग कर रहे हैं, राइट. सो यहाँ पर ये एम्प्टी सर्कल्स है, इसके अंदर कलर्स नहीं है, बट ये जो थर्ड सर्कल है इसमें कलर है, ये हाफ हाफ है, इजंट इट, हाफ वाइट एंड हाफ रेड. बट इसका थर्ड वाला जो सर्कल है, हाफ सर्कल, इसका शेप ऊपर वाले सर्कल से मिलता है ना. तो इसके बाजू में जो हाफ सर्कल आएगा उसका शेप भी ऊपर वाले सर्कल से मिलना चाहिए, इजंट इट. सो अगर हम शेप्स सिमिलर रखेंगे तो इसका ऑर्डरिंग कैसे कंप्लीट होगा, इसका ऑर्डरिंग कंप्लीट होने के लिए इसको सर्कल को हाफ हाफ करना पड़ेगा, मतलब हाफ रेड एंड हाफ वाइट. ऐसा वाला पिक्चर कौन सा है, पिक्चर नंबर डी. अगर पिक्चर नंबर डी यहाँ पे आ जाएगा तो ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा. सिक्स का डी, राइट. सो दिस इज हाउ वी हैव फिनिश्ड आवर ऑर्डरिंग का लेसन. डन. नाउ नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट विथ आवर टर्म वन का वर्कशीट. उसमें वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस इन द वर्कशीट और हम उस वर्कशीट को एज अ रिविजन करेंगे, राइट. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, कैच अप विथ योर वर्कशीट्स. डन ओके. चलो बाय बाय.